हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हो टेक्निकल डीएमडी। दोस्तों आप लोगों को नोटिफिकेशन के तौर पर व्हाट्सएप में अभी नई प्राइवेसी पॉलिसी देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोगों को केवल दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप लोग इसे एक्सेप्ट करो या फिर आप लोग इसे नोट ना करो। अगर आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो तो जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट है वो 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप की तरफ से परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा क्या हुआ है। दोस्तों व्हाट्सएप ने इस प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ यही लिखा है कि व्हाट्सएप आपके जो भी डेटा को कलेक्ट करेगा उस डेटा को वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब थर्ड पार्टी कौन से होंगे, आप लोग को जानकारी है कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेस कर लिया है। अब जो व्हाट्सएप है वो आपके डेटा को फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ या फिर फेसबुक के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सभी के साथ व्हाट्सएप आपके डेटा को शेयर करेगा। तो व्हाट्सएप पर आपकी जो प्राइवेसी है वो ना के बराबर रह जाती है, आपका जो डेटा है वो पूरे तरीके से सभी कंपनियों के पास जाने वाला है। तो दोस्तों बहुत से लोग व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ हैं और व्हाट्सएप को छोड़कर सिग्नल ऐप पर जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप में आप लोग को कौन सा जो एप्लीकेशन है वो बेहतर देखने को मिल रहा है, किसमें आप लोग को ज्यादा प्राइवेसी देखने को मिल रही है। दोस्तों मैं आप लोग एक बात और बता दूं कि जो सिग्नल ऐप है वो ज्यादा सिक्योर है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो और व्हाट्सएप को छोड़ सकते हो। मैं आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ कि सिग्नल ऐप और व्हाट्सएप में कौन ज्यादा सिक्योर है। दोस्तों उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लेना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो दोस्तों बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप आप लोगों के लिए कितना ज्यादा सिक्योर रह गया है। दोस्तों आप लोगों को जानकारी होगी व्हाट्सएप आपसे यहाँ पर आपका नंबर कलेक्ट करता है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर कलेक्ट करता है और दोस्तों बहुत सारी ऐसी परमिशन है जो व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। उसके साथ साथ दोस्तों व्हाट्सएप पर आपकी जो भी चैट होती है और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी वीडियो कॉलिंग होती है, वॉइस कॉलिंग होती है, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्राइवेसी का जो इशू है वो तो बहुत कम देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसके बाद से आपका जो भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट करेगा व्हाट्सएप वो सारी कंपनियों जो भी फेसबुक से जुड़ी हुई है उनके साथ शेयर करेगा। तो व्हाट्सएप पर आप लोगों को जो प्राइवेसी का इशू है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है, जो आपका डेटा है वो सिक्योर नहीं रहने वाला है। व्हाट्सएप को आपकी एक एक जानकारी पता चलेगी और वो एक एक जानकारी फेसबुक को बताएगा, इंस्टाग्राम को बताएगा, जिसके बाद आपको वो जो दिखाएंगे वो देखना पसंद करोगे, आपके इंटरेस्ट को वो पूरे तरीके से पढ़ लेंगे और आपको वही बेचेंगे जो आप खरीदना चाहते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम सिग्नल एप्लीकेशन की। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं जो सिग्नल एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। यहाँ पर दोस्तों आपका ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पर आपसे लिया जाता है आपका मोबाइल नंबर, वो आपसे कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेता है और सिग्नल एप्लीकेशन पर आपको कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पर जो ग्रुप बनाया जाता है, सबसे पहले अगर आप लोग किसी को ग्रुप में ऐड करना चाहते हो तो पहले उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तभी आप लोग किसी को ग्रुप में ऐड कर पाओगे। बिना नोटिफिकेशन एक्सेप्टेशन के आप लोग किसी को भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको जो प्राइवेसी का इशू है वो बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक ग्रुप में 150 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, ये यहाँ पर सिग्नल एप्लीकेशन में आपको और भी ज्यादा अच्छा फीचर देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों जो सिग्नल एप्लीकेशन है यहाँ पर आप लोगों को जो चैट देखने को मिलती है, जो आपकी कॉलिंग देखने को मिलती है, जो वीडियो कॉलिंग देखने को मिलती है वो तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते ही है। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों का सिग्नल एप्लीकेशन पर जो भी डेटा होता है, जो मेटा डेटा होता है वो भी यहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्हाट्सएप के को फाउंडर है उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर जो सिग्नल एप्लीकेशन है इसकी प्राइवेसी के बारे में पहले बताया था कि ये बहुत ज्यादा प्राइवेट है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप को छोड़ना चाहते हो, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आपके लिए जो आपका डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सिग्नल एप्लीकेशन पर स्विच कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी सिग्नल एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो, आपके लिए आपकी जो प्राइवेसी है, जो आपका डेटा है वो बहुत ज्यादा मस्ट है, तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही जो व्हाट्सएप है वो बिल्कुल भी प्राइवेसी के बराबर नहीं बचा हुआ और व्हाट्सएप जो चाहेगा वो आपके साथ कर सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी दोनों एप्लीकेशन के बारे में। अब आप लोग खुद ही समझ गए होगी कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है, अब आपको कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर टेलीग्राम को भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेलीग्राम भी व्हाट्सएप से ज्यादा सिक्योर है। और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात करें तो सिग्नल एप्लीकेशन आप लोग को सबसे ज्यादा सिक्योर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।